नमस्ते दोस्त, कैसे हैं आप सब। सुमिता किशन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उड़द दाल की दही बड़े की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाने में बहुत ही आसान है। देखिए कितना सॉफ्ट मेरी हमारी दही बड़ा बन के रेडी है। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हम इसी कप के मदद से एक कप उड़द का दाल ले लिया धुली वाली। अब उसको 3-4 घंटा के लिए भिगो के रखा, फिर धो के अच्छी तरह से धो के निकाल के लाए। अब हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे अब हम इस दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे, महीन पीसेंगे। देखिए हम इसी तरह से मिक्सर जार में पीस के ले आए। अब हम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने निकाल लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से फेंटना है। जितनी देर तक आप फेंटेंगे आपका बोड़ा उतना ही बढ़िया, उतना ही सॉफ्ट बनेगा। एक ही डायरेक्शन में आपको करना है। इसी तरह से हम 5 मिनट तक करेंगे। अब जितनी देर तक फेंटेंगे आपका बोड़ा उतना ही बढ़िया सॉफ्ट बनेगा। देखिए देखिए अब हमारा बोड़ा बनाने के लिए रेडी है। हमने एक भगोना ले लिया और इसमें 1 लीटर पानी है। पानी को थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लिया, ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा गुनगुना। अब इन पानी में हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। और 1 पिंच हींग डालेंगे। अब इसको हम अलग रख देते हैं। फिर कढ़ाई रख दिया। अब उसमें हम ऑयल रख दिया, रिफाइंड ऑयल आपके पास जो है अब उससे बना सकते हैं। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। आपको दिखा देंगे किस तरह से गर्म होना चाहिए तेल। अब हम थोड़ी सी डाल के चेक करेंगे। देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया। अब इसी गरम ऑयल में हमें डालना है। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लगा के डालिए। हम एक एक करके बोरा को डालेंगे। अब हम पलट देते हैं। पलट दिया। इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। देखिए बोरा हमारा फ्राई हो गया। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, हम इसी कलर में रखनी है। अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमें सारे बोरा को फ्राई करेंगे। इस तरह से हम सारे बोरा को फ्राई कर लिया। अब हम पानी में डालेंगे। हमने जो हींग नमक का पानी करके रखे ना उसमें डालेंगे। हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसे डुबो के रखेंगे ताकि हमारी बोरा अच्छी तरह से सॉफ्ट बन जाए। तब हम निकाल के आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा बोरा बिल्कुल रेडी है। अब देखिए फूल फूल के कितना बड़ा हो गया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से आपको देखिए कितना सॉफ्ट बना। इसी तरह से आपको पानी निकालना है। अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे। अब हम हरी चटनी डालेंगे। हम इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब जीरा पाउडर डालेंगे। हमारा बोरा बिल्कुल रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा और दही डाल देते हैं।
देखिए दही बड़ा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर मेरी दही बड़े की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।